हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो हादसे आजकल बॉम्बे में हो रहे हैं उसके बाद आर्टिस्ट जो बाहर से आते हैं उनके लिए प्रॉपर्टी ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर हमारे साथ ऐसे एजेंट्स होंगे तो हमारे लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि हमको यहाँ पर काम करना है, यहाँ पर सर्वाइव करना है। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम एक एजेंट के थ्रू जाते हो तो ख़रीदार के लिए, बायर के लिए एंड इनके लिए, हम सबके लिए सहूलियत होती है। सो मुझे लगता है कि जैसे एक आर्टिस्ट एसोसिएशन होता है जिससे हमको सेफ्टी फील होती है, इनके एसोसिएशन से सबको सेफ्टी भी फील होगी, वेदर इट बी बायर, सेलर एंड द एजेंट। सो आई थिंक इट्स रियली नाइस। हाँ, मेरे दो घर है, वो दोनों एनर्जी के थ्रू लिए हैं मैंने, एंड माशाल्लाह मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और आई एम वेरी श्योर आएगी भी नहीं, क्योंकि आई हैव फेथ इन। मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, बट फिर भी जब बात आती है प्रॉपर्टी की, एक लेमैन की तरह हमें मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स नहीं पता होते, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनसे बेटर और कोई नहीं हो सकता। एक बिल्डर भी हमें, सॉरी टू से, येड़ा बना सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कमाने का हक सबको है, वो चाहे खरीदार हो, बेचने वाला हो या एजेंट हो, सबको खरीदने मतलब कमाने का हक है, पर एक मार्जिन होना चाहिए जिसको हमको ध्यान में रखना है। जैसे मैं एक प्रॉपर्टी खरीदती हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब मैं इसे बेचूँ तो मुझे इसका अप्रेजल मिले, वैसे ही एक बिल्डर जब वो बनाता है तो ऑफ कोर्स ही एक्सपेक्ट्स एन अप्रेजल। सो आई थिंक एवरीबॉडी इज राइट इन देयर ओन वे, आई डोंट फील एनीबॉडी इज रॉन्ग। सो दैट वेबसाइट के बारे में यही कहूँगी कि मुझे ये आइडिया बहुत अच्छी लगी है कि आज घर बैठे मैं अपना प्रॉपर्टी नेट पे देख सकती हूँ, बिकॉज़ एक्टर होने के नाते मतलब हमें टाइम नहीं मिलता, तो ये वेबसाइट हमें घर बैठे वो प्रॉपर्टी दिखाती है जिसको मुझे फिजिकली जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टिल द टाइम आई डोंट मूव इन। सो आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। फिलहाल नो, फिलहाल मैंने बहुत सारे काम किए हैं, अभी फिलहाल आई एम मैरिड टू अ डायरेक्टर, सो आई एम चूजी अबाउट वर्क, सो इंशाल्लाह इफ आई गेट सम गुड वर्क। होने से काम करेंगे और हमारे यूनियन सबका नाम एक साथ करेंगे, रोशन करेंगे। ओके ओके। हाय, मेरा नाम आसिया काजी है। वेबसाइट क्या लॉन्चिंग है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, इन्होंने जितनी अच्छी शुरुआत की है उसके लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। एंड आई एम वेरी श्योर कि इन्होंने जो भी ये दिल से सोचा है, जिसकी शुरुआत की है, ये बहुत सक्सेसफुल होगा, क्योंकि दिल से किया हुआ कोई भी काम कभी भी खाली नहीं जाता है। तो आई एम वेरी श्योर कि वेबसाइट बहुत सक्सेसफुल होगी एंड हमारी बेस्ट विशेज हमेशा इनके साथ हैं। कितना मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट के लिए शूटिंग से टाइम निकाल के घर ढूंढना, या फिर 11 महीने के बाद एग्रीमेंट खत्म हो जाए उसको खाली करना, उसको रियल केस में कि कैसे है, पड़ोसी कैसे हैं, वो चीज़ अगर बात करें, आप क्या करें अपना? बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 12 घंटे नहीं, 16 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे भी निकल जाते हैं कभी कभी, तो वक्त नहीं होता हमारे पास छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी। तो प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसके लिए आपको हर डिटेल पता होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ प्लेस फॉर रियल स्टे, तो आसपास के लोग अच्छे होने चाहिए, जगह अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, यू नो, जो चीट करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी। तो मुझे लगता है जो वेबसाइट है इस सब में ये बहुत हेल्पफुल रहेगी हम जैसे लोगों के लिए जो इतने बिजी रहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेगी एंड विल बी वेरी इजियर फॉर अस टू फाइंड अ प्लेस, नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर अदर पीपल ऑल्सो। अपना अगर बात करें आपसे, आपने कितना स्ट्रगल किया है घर के बारे में, आपका खुद का घर है या फिर कैसे किराए पर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे? मैं तो लकीली बाय गॉड्स ग्रेस